तो हजरात सहरी आप क्या करें, सहरी एक इबादत है, चाहे रोजा रखो ना रखो। निकल जाए तो दफा हो जा। भाई ऑर्डर दो। बेशरम ऐसे ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है ठीक हो गए। सारी टाइम उठे हैं तो सोचा व्लॉग शुरू कर ले। वो ना तंगी बहुत थी हमारे, पहले रोजे को भी लोग नहीं शुरू कर पाए, दूसरे को भी। वो ना मलक अली के पेपर थे, तो इसलिए ये देखो स्नैन भाई ताला मार रहा है, मार दिया ताला, ये चाबी हाथ में पकड़ लिया और हम जा रहे हैं। चलाओ हम तुम्हें मिलाते हैं, हम सारी गैंग में। ओके भाई, ओके भाई, तो बड़ी छेती कर रही है ना, गलत दो चार करया कर। ओके भाई की छेती है तेनू? मैंने पहले आया दस। हाँ सब्सक्राइब करो पहले। हाँ सब्सक्राइब करो, लाइक करो। तेनू की छेती है? मैंने आया दस यार। ओ चल चल बे। अच्छा मलक अली को भी कॉल कर दिया, शेख को भी कॉल कर दिया। अब अली देखो आता है कि नहीं, राव साहब आते हैं कि नहीं आते, पता नहीं है उनका। अब पहले जा रहे हैं हम शेख साहब के पास, मोटरसाइकिल चाबी करिए ऑन मारी है इनकी। ओ चलो ठीक है, एक हासिल मोटरसाइकिल नहीं चलनी, तो चलते हैं मिलते हैं फिर आपको। लो ये मलक साहब हाजिर हो गए हैं, चेक करें क्या हाल है मलक साहब। ठीक ठाक यार, सुती उठियां बाल के लेने हैं। मिलो पहले सामने। प्यार ही बड़ा है भाई। तो वेलकम हो गया शेख साहब का भी। हाँ जी शेख साहब, बत्ती बालती है शेख साहब ने। तो यार अब हम सारे दोस्त इकट्ठे हो चुके हैं, तो अली राव साहब आ रहे हैं, तो आते हैं आपको मिलाते हैं। फाज साहब ये ऑल। तो यार शेख साहब कुछ कहना चाहेंगे जी? तो यार उसने हैं भाई इस शायरी के बारे कहना चाहेंगे आप कुछ? अड्डा वड्डा मुंह कुछ रिश्ता भी नहीं पिया होना। चल चल सारा कुछ सारी वाम उतर के वाम उतर के। तो हजरात सहरी आप क्या करें, सहरी एक इबादत है, चाहे रोजा रखो ना रखो। आजा निकल जाए तो दफा हो जा। फाजू भाई साहब सहरी दी फजीलत दसो कोई। सहरी दी फजीलत यार, अब हम शेख साहब से पूछते हैं इनका की राय। अच्छा शेख साहब बताएं शहरी कोई। हाँ चोकला मेरा मोगा पीड़ रोड, मम्मी भी नहीं पता। गाइस ये है हमारे पाकिस्तानी माम के हाल। रोजा रख, ये रोजा इसलिए नहीं रखते के हम नमाजे पढ़ेंगे या मैसेज करें, ये इसलिए रखते हैं ताकि शहरी घर वाले तारी भी तोड़ के करिए। तारी भी शहरी भी घर दे राज के दिल में कुछ नहीं कहते। ऐसे शहरी घर को तुसी दसया जी यार, मैं नारी है जी। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो गाइस हम चलने लगे हैं, ये देखें मोटरसाइकिल स्टार्ट हो गई है। चलो भाई तुसी भी आई हो, तुसी भी रोजा रखना। कल रखना रोजा, बिमार होया बेचारा वेखो। चलो फिर चलने फिर तुहानू मिलने अली दे नाल। अली उत्थे ही है। चलो ठीक है फिर तुहानू मिलने, खाबे ढाबे करन चले हैनी पान। गाइस हम कोयटा पहुंच गए हैं, तो अली आता है तो फिर हम आपको दिखाते हैं। अली रास्ते में ही है अभी, कोयटा पहुंच गए। ये हमारा कोयटा है, ये देखो ये खान साहब कोयटा, ये देख लो, झूठ नहीं बोल रहा मैं। 136 की स्पीड में जो के अली आते हुए आपको दिखाते हैं। तो अली भाई आपसे एक सवाल था हमें। क्या सवाल था? सैरी की पूछा दी है यार, सैरी की बहुत फजीलत है। तो तुम मौलवी के प्यारे दरदार हो, जिंदगी के प्यारो, जन्नत के अख्तार हो, तो बड़ी फजीलत है। जन्नत के अख्तार है क्या बात है। चलो ठीक है आपको भी दिखाते हैं। सुनैन भाई ऑर्डर दो।
आपको पठानी आती है दिल तराशा आया फिर भी कोई नहीं मतलब समझ रहे हो समझ रहे हो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह 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 खाना शुरू कर दिया है ना हल्के बंदों ने ये देखो गंदे अंडे भी आ गए ने ये चेक कर ओ गाय ये वाले अंडे कह रहा था मैं क्या क्या बोला तूने एक पहले क्या बोला चल चल चलो जाके इलाज करो यार देखे मेरी प्लेट में भी पड़ा हुआ है नैन भाई ने भी खा लिया शेख साहब गरीब भाई अभी बड़े पड़ा हुआ है मतलब सैरी कर ली है अब ना जा रहे हैं दही वाली दुकान पे दही वाली माल कट्ठा हो रहा है दो बंदे रह गए दही दुही खा लिया अब दही दुही लेने जा रहे हैं वहाँ पर लस्सी बनाएंगे आप अम्मा मम्मी भाई बात सुने आपस में इनको मिलाए हैं पहले गाइस को अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम और चुप जा ओहो अच्छा तो यार अब ना बस हम जा रहे हैं दही वाली दुकान पे नौमी भाई आप आ जाना पीछे पीछे ही बाहर जल्दी आए पीछे जल्दी बैठ अच्छा जी नमक लान गए हुए मलक साहब मलक साहब ओ आ रही ए ओ बत्ती जल गई है तो यार ये चेक करें मलक साहब नमक ले आए नमक दिखाओ नमक ये नमक है आपने पहले तो देखा नहीं होगा चेक करें नमक चेक कर ओए इड़ा ना पा काट अच्छा जी पा दे सारा ही नहीं पा दे सारा ही मरना है यार यहाँ पर लस्सी बना रहे हैं हर बंदा कह रहा है मैं भी हिस्सा डाल ला चल भी गंदे हाथ से कहा गया पहले आ गया। A few moments later. यार अभी खा पी के मतलब कि आपको पता है लस्सी पी है चेक करें तो वेले हो यार मलक तो देते ने तो देते तो यार मेरी बात सुने हमने खा पी लिया तो ना अब जा रहे हैं सारे बंदे नींद चढ़ी पई चढ़ी हुई है ते नींद चढ़ी है जाके सोवांगे मिलांगे हाँ जी दसो फाजू साहब दोपहर को मिलोगे भाई साहब सोचांगे हाँ जी शेख साहब मिलांगे यार हूं ना चले ने घरा नहीं नमाज पढ़ के नमाज पढ़ के कन्फर्म जन्नती है कन्फर्म जन्नती है चलो नमाज मर्जी देंगे देख लो अब हम जाएंगे हाँ तो सही चेक करें मर्जी तफीक इन्होंने फिर नहीं है नमाज तो ना अब फिर दोपहर को मिलेंगे हम आपसे ठीक है ना ओके ओके एनी आवर्स लेटर लो जी हम लोग साहब घर आ गए चेक करो रोजा लग रहा है पक्का बालता ही नहीं नहीं है मलक साहब ने इतने बह के तैयारियां की है पेपर की बेशरम ऐसे ही होते हैं चेक करो जी मलक साहब त्यार शहर हो के आ गई कपड़े कपड़े पा के आ गई ये जो सन जैकेट पहनी है ना बस वही नहीं पहनी है लग रहा मुझे लंडे की है ये लंडे की है यार नहीं ये सुपर आया है विलर ने तो दे गए सारा अब ये चेक करें हम चलने लगे हैं कपड़े वगैरह लेने ईद की शॉपिंग हल्की फुल्की जो करनी है वो तो करें ईद ही करनी है और किंदी करनी है चल यार चलिए आ जा छेती कर हम बाहर इंतजार कर रहे हैं चलो आपको वहाँ पर दुकान पे जाके मिलते हैं तो यार यहाँ पर आए थे हम लोग सूट देखने आए हैं ये हमने कौन सा किया है ये पसंद आ रहा है ये वाला पसंद आ रहा है ये वाला ये क्या कह रहे हैं
ये चेक करवा यार, ये अब ना इसकी थोड़ा सा पीस उतरवाएंगे, वो दिखाएंगे फिर देख लेते हैं सही है कि नहीं है। ठीक है अली भाई, जैसे कहो भैया। तो यार शेख साहब क्या राय है आपकी? जो कुछ लेना मैं वही लेना। यार थोड़ा सा अभी अफतारी का सामान लेके जा रहे हैं घर, तो चेक करें क्या क्या दही दूध नीचे पड़ा हुआ है वो नजर आया है ना, ये चेक करें। स्ट्रॉबेरी ले ली है, तो अब जा रहे हैं घर उसने पकड़ाने, एक और चक्कर लगना है। आहो समोसा वगैरह कचोरी आज तक। अच्छा चलो अभी समोसे कचोरियाँ वगैरह लेनी है, एक चक्कर और लगेगा फिर अफतारी डन हो जाएगी। यार ये चेक करें, आधे बंदे आ गए। अरे अंदर आ, अरे अंदर आ जा, ये चेक करें अफतारी माहौल यहाँ पर कर रहे हैं हम। यार 10 मिनट सिर्फ रह गए हैं रोजा खुलने को, तो ये सामान तैयार कर दिया हमने। मलक आ रहा है, मलक थोड़ी देर तक आएगा, वो उसने कोई पानी पूनी डाल के तो फिर आना है। बढ़ गया तो भाई लोगों सारी चीजें ओके हो गई हैं, कचोरी समोसे और स्ट्रॉबेरी शेक बनाया था ना। हाँ जी स्ट्रॉबेरी शेक। अय्यो ये तो दही बल्ले हैं, दही बल्ले इनको पकौड़े भी कहते हैं। हां देख रहे हैं, तू लग जा पहले तैयार करने में, रोजा होता है तो भाई कितने मिनट रह गए, एक मिनट रह गए रोजा खुलने में, तो आप प्लेटें भी तैयार करें पहले। ए राव साहब खजूर नहीं आई? खजूर बिस्मिल्लाह, खजूर भी आ गया भाई। अरे बहुत अच्छी वाली खजूर आ गई यार ये तो। तो यार रोजा खुल गया, खजूर पकड़े खाए, अब सारा कुछ खा के, बल्कि सारा कुछ नहीं, अभी मलक साहब को थोड़ा सा टाइम है आने में, देर हो गया उसको काम पड़ गया था एक, वो कह रहा मैं 10-15 मिनट तक तुम्हारे पास हो जाऊंगा। अफतारी वो उसने घड़ी कर ली है, हल्का सा पानी पूनी पीना। लो जी गाइस चेक करो, 24 मिनट हो गए, 17 से रोजा खोलता देख लो, खाना वैसा का वैसे पड़ा हुआ है। मलक साहब थोड़ा वेट कर रहे थे, तुम हजे तक नहीं आए, तो हम असं खान लगे तो बुरा ना मानना फिर। ठीक है साड़ी कॉल आई, एक उच्ची आवाज कर रही है, ऐसी तैसी कट दे नहीं जा। हाँ की होया? यार बस एक मसला बन गया, मैं नहीं आ रहा तो। अच्छा कर लो तुसी। तो क्यों नहीं आ रहा? यार बस तेरे गजार चो होगा सी खादा। आहो ब्लॉग भी बना है, देख भी नहीं पा रहा। चल ठीक है, आराम खाक हो गए, फ्री हो गए हैं, ये अभी भी लगे हैं, इनको पकाएंगे क्या, कितनी भूख लग गई है ये देखो अभी भी। और ये भाई ओ ये मलक के इंतजार में इसने बाग में शुरू किया, कह रहा मलक आएगा, ये अभी रो भी रहा है, लगा कोई बेइज्जती करूं। और फिर तबीयत से ठीक है? मैं तबीयत से ठीक, पूछ रहा रहना मैनू और कोई गल ही नहीं आती, पता नहीं केड़े मुंडे ने जेडी कुड़ियां नाल 12-12, 24-24 घंटे लगी रहते गला करें, कसियां तबीयत से ठीक है, तबीयत से ठीक है, सानू इस तू बाद गल ही नहीं आ रही। और शेख साहब अभी आपको एक दुआ सुनाते हैं, न्यू दुआ जो आपने अक्सर टिकटॉक पे भी सुनी होगी, जो सुनाते हैं अभी एक मिनट सिर्फ। तो यार मैंने आपको कहा था कि आपको दुआ सुनाऊंगा, अल समोसा वल बिरयानी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इस व्लॉग को एंड करने का टाइम है, तो मलक साहब माजरत आपसे, आप ही नहीं आ सके, आपको पता नहीं क्या है। तो भाई क्या करना कहना था, लाइक सब्सक्राइब, ये यही लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स की और चलो अली भाई क्या कहना था यार, लाइक सब्सक्राइब लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ओके बाय।